अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पोटैटो बिरयानी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है लेकिन बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं इसको। बिरयानी के लिए हमें एक मसाला रेडी करना होगा, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पर ये दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च। इसे हमें ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है और इसका सिर्फ हमें आधा चम्मच ही यूज़ करना है अपनी बिरयानी के अंदर। और यहाँ पर मैंने लिया है ये जायफल का टुकड़ा और ये जावित्री है, तो इसको भी हमें पीस लेना है और इसका हम 1/4 टीस्पून ही यूज़ करेंगे अपनी बिरयानी के अंदर। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर 700 ग्राम चिकन और मैंने 2 प्याज को फ्राई कर लिया था और इन्हें क्रश कर लिया है। इसकी हाफ क्वांटिटी मैं इस चिकन में डाल दूँगी, बाकी की हम बाद में असेंबलिंग में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, 1/4 टीस्पून जावित्री जायफल का पाउडर और 1/2 टीस्पून जो मसाला अभी हमने ग्राइंड किया था थोड़ी देर पहले। और इसमें मैंने डाले हैं 3 आलू। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लिए मैंने 8 से 10 हरी मिर्च, कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं। यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने अभी यहाँ पर। तो ये सिर्फ चिकन के लिए मैंने नमक डाला है। और इसमें मैं डालूंगी जिसमें मैंने अभी प्याज को फ्राई किया था उस ऑयल का आधा हिस्सा, यानी कि 1/2 कप मैंने ऑयल यहाँ पर यूज़ किया है। और इसमें मैंने 100 ग्राम दही डाला है, 1 टीस्पून चिली पिकर डाला है, हरी मिर्च का अचार है ये। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो मसाला अच्छे से इसमें लग जाएगा। मैंने सारे ही चिकन पीसेस में यहाँ पर डीप कट्स लगा दिए थे ताकि मसाला हमारा अंदर तक चला जाए। अब मैंने इसको गैस पर रख दिया है और इसको हम अच्छी तरह से ढककर पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और हम इसको चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारा चिकन काफ़ी पक चुका है, यहाँ पर इसमें पानी भी आ गया है, तो हम इसको थोड़ा पानी और सूखने तक पकाएंगे। अब चिकन भी गलना हमारा स्टार्ट हो गया है। चार कप चावल मैंने यहाँ पर भिगो दिए थे, बासमती राइस लिए हैं मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो सेला चावल भी ले सकते हैं। अगर आप सेला चावल लेते हैं तो उन्हें 2 घंटे के लिए सोख करना है आपने। और मैंने एक लिया है यहाँ पर भगोना ले लिया है, जिसमें मैंने 3 लीटर पानी डाल दिया है। इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, तेज पत्ता, स्टार एनाइस सिनेमन का टुकड़ा और मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़े चम्मच नमक। तो हमारा नमक जो है चावल में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारी बिरयानी फीकी ना लगे हमें। और मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच तेल। और अब मैं इसमें चावल को ऐड कर दूंगी और इसे हम गलने तक पकाएंगे। तो हमें ज़्यादा चावल को नहीं गलाना है, हमें सिर्फ 80% तक ही चावल को गलाना है। इसमें मैंने यूज़ किया है 1/2 लेमन, जिससे चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। और ये चावल हमारे पक गए हैं और अब हम इन्हें छान लेंगे। तो ध्यान हमें ये रखना होगा कि चावल का पानी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें चावलों का पानी अभी यूज़ भी करना है। तो ये हमारा चिकन रेडी हो गया है और अब हम इसमें चावलों की असेंबलिंग करेंगे। तो लेयर लगाएंगे सबसे पहले चावल। जो चावल का पानी हमने बचाया था 1/2 कप यहाँ पर लिया है मैंने, तो इसको सब में पोर कर देंगे। और कुछ गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसमें मैंने बिरयानी मसाला जो बनाकर रखा था उसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे।
फूड कलर। फ्राइड अनियन जो कि हमने पहले से बचा ली थी तो उसको भी स्प्रिंकल कर देंगे यहाँ पर। और ये मैंने आधा कप दूध ले लिया है तो इसकी हाफ क्वांटिटी मैं अभी यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी। अच्छी तरह से फैला कर लगाएंगे इसको। और मैंने कुछ लिए हैं पुदीने के पत्ते और यहाँ पर जो हमने ऑयल बचाया था उसमें से हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इससे चावलों में मॉइस्चर आ जाएगा। तो फिर से सेकंड लेयर हम चावल की लगाएंगे और सेम प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो ये थर्ड बैच हमारा फाइनली हम यहाँ पर पूरा का पूरा डाल देंगे। तो मैंने पहले से तवे को गरम कर लिया था 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और अब हम इस बिरयानी को दम करने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो 20 मिनट हो चुके हैं हमारे और बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम बीच में से चेक कर लेंगे एक चम्मच डालकर कि हमारा पानी तो नहीं रहा है इसमें। तो पानी हमारा बिल्कुल सूख चुका है और हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो उसके पहले हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे और फिर हम अपनी बिरयानी को सर्व करेंगे। बिरयानी जब भी आप बनाएं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने बिरयानी पका ली है और गैस को बंद कर दिया है तो 15 मिनट तक आपने उसके ढक्कन को नहीं खोलना है ताकि उसके जितने भी जूसेस हैं उसी के अंदर से रह जाएं और उसके जितने फ्लेवर हैं सब उसी में रह जाएं। और अब हम बिरयानी को अपनी सर्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी बिरयानी कैसी बनी है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।